जय हिंद साथियों। अगर कोई पूछे कि इन दिनों देश में सबसे बड़ा मजाक क्या चल रहा है, तो शायद जवाब होगा कि सेना भर्ती रैली और एग्जाम को बार बार पोस्टपोन करना। अब यह बात सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं की समझ में तो आ जाएगी, लेकिन कुछ दूसरे लोग भी हैं जो डी न्यूज भारत को देखते हैं, तो उन्हें बता दें कि हाँ, ये मजाक है युवाओं के सपनों से, हाँ ये मजाक है युवाओं की सालों की कड़ी मेहनत से, ये मजाक है उन बूढ़े माँ बाप के अरमानों से जो बेटे को सेना की वर्दी में देखने के इंतजार में बैठे हैं, ये मजाक है उस परिवार से जो दो वक्त की रोटी के लिए भी मजबूर है। अरे साहब, 8 महीने में 6 बार एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया, यह मजाक नहीं तो और क्या है। अरे एग्जाम और रैली के इंतजार में वो युवा प्राइवेट जॉब के लिए बाहर तक नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि हर महीने एग्जाम को लेकर तिथि जारी की जाती है और वो इसी आस में रुक जाते हैं कि शायद इस बार एग्जाम हो जाए, और यही हाल सेना भर्ती रैलियों का भी है। लेकिन आलम यह है जनाब कि इन युवाओं को न तो सही जानकारी दी जा रही है और न ही इनकी मांगों पर कोई ध्यान दिया जा रहा है। अभी हाल ही में आर्टली सेंटर नासिक और एक दो अन्य रिलेशन सेंटर की ओर से पत्र जारी कर 31 अक्टूबर को सेना भर्ती एग्जाम कराए जाने को लेकर अनाउंसमेंट किया था, जिससे युवाओं में एक बार फिर से उम्मीद जगी थी, उनका कुछ तनाव कम हुआ था, कुछ राहत मिली थी कि चलो अब सेंटर का एग्जाम कराया जा रहा है तो जल्द ही उनका एग्जाम भी कराया जाएगा और फिर सेना भर्ती रैली भी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इन पत्र के जारी होने के बाद हाल ही में सेना भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट जॉइन इंडियन आर्मी पर एक मैसेज दिया जाता है कि 31 अक्टूबर को होने वाला एग्जाम कोरोना के खतरे को देखते हुए एक बार फिर से पोस्टपोन कर दिया जाता है। अब समझ में नहीं आ रहा कि कोरोना के नाम पर ये लोग आखिर कब तक झूठ बोलते रहेंगे। एग्जाम नहीं कराने का जो वास्तविक कारण है वो तो बताया नहीं जा रहा है। देखिए साथियों, मजाक आपके साथ बहुत हुआ, अगर अब भी आप चुप बैठे रहे तो फिर शायद आपका सेना में जाने का सपना वो सपना बनकर ही रह जाएगा। इसलिए आज आप सभी अपने हक के लिए आगे आए, अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से जिम्मेदारों को अपनी मांगों से अवगत कराएं। और साथियों, आपको करना क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर हम जल्द ही दूसरी वीडियो लेकर आ रहे हैं, और आप सभी साथी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और उस वीडियो में जो आपको बताया गया है अगर आप सभी वो काम करते हैं और पूरे सपोर्ट के साथ में आप अगर वो काम करते हैं तो यकीन मानिए साथियों, आपकी मांगों पर सुनवाई भी होगी और आपकी सेना भर्ती रैली और एग्जाम भी जल्द से जल्द कराया जाएगा। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।